वहीं नागदा में एक बार फिर से सरकारी हॉस्पिटल की लापरवाही सामने आई है, जहां पर एक गर्भवती महिला के साथ हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने रेफर रेफर का गेम खेला, जबकि महिला की डिलीवरी नॉर्मल भी हो सकती थी। पीड़िता के पति ने बताया कि 15 नवंबर को उसकी पत्नी को सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए भर्ती करवाया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे दूसरे हॉस्पिटल रेफर कर दिया। परिजनों ने रेफर का विरोध किया, तब जाकर हॉस्पिटल प्रबंधन ने डिलीवरी के महिला को रूम में लेकर गए, लेकिन महिला के रूम के बाहर ही डिलीवरी हो गई। वो एक मामला, एक महिला थी प्रसूति में, लेबर पेन में आई थी, 5:30 बजे करीब आई थी। तो जिसका जो है सिस्टरों ने चेक किया, उसके बाद मैडम जो ड्यूटी डॉक्टर उनको भी अवगत कराया। उसके बाद ये कंडीशन बन रही थी कि उसका जो था 5वां बच्चा था, और उसके 2 बच्चे पहले से सीजर से हुए थे, मतलब ऑपरेशन के द्वारा। तो उसके तीसरे और चौथे बच्चे की डिलीवरी घर पे ही हो चुकी थी, लेकिन ये 5वें बच्चे के लिए फिर वो अस्पताल लाए थे, जिसमें उसकी जो अवस्था थी कि डिलीवरी होने में 8 बजे तक हो जानी थी। लेकिन उसके बाद जब मैडम के द्वारा देखा गया, 8 बजे के बाद मैडम की ड्यूटी थी, तो मैडम ने अपने जो निर्णय लिए कि भैया पहले भी सीजर से डिलीवरी हुई है, तो इसमें हम लोग रिस्क नहीं लेंगे। तो